नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। फ्री होम गार्डनिंग प्लांट्स के सीरीज में आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में, ऐसे पेड़ के बारे में बताने जा रहे हैं। 19 के जो स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, उन्होंने इस पेड़ के विशाल स्वरूप को देखा होगा, लेकिन जो 2000 की सीरीज के जो बच्चे हैं उन्हें यह रेयर चांस में ही मिला होगा बड़ा वृक्ष देखने को। ये जो आप हरा भरा प्लांट देख रहे हैं, ये प्लांट है गुंदी का। जी हाँ, गुंदी बोलते हैं इसे। इसके जो पत्ते हैं इनमें गैप बहुत रहता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का, ये मरु प्रदेश का कहें, बड़ा ही शानदार सा वृक्ष देख सकते हैं। ये जो वृक्ष हैं इसकी उम्र 4 साल के करीब है। इसका फैलाव बहुत अधिक होता है। सुंदर हरे पत्ते, बीच में काफ़ी स्पेस होता है। अभी जब गर्मियां आएंगी मार्च अप्रैल में, जब नीम के निमोली लगती है, लसोड़े में जब फल आते हैं, उसी समय इसमें मीठी मीठी गुंदी लगती है। एक लिक्विड पदार्थ उन छोटे छोटे फल के अंदर भरा हुआ होता है, बड़ा ही स्वादिष्ट होता है, कभी आपने चखा हो तो। ये उसी का वृक्ष है। 4 साल के करीब उसकी एज है। वर्षा ऋतु में आप इसे लगा सकते हैं बिना कोई रख रखाव के। देखिए, ये बिना कोई रख रखाव के ही खड़ा है। बिना कोई रख रखाव के ये अच्छी ग्रोथ कर सकता है। ना कोई इसमें खाद की ज़रूरत होती है और ना ही कोई प्रॉपरली पानी की। बड़ा ही इजी मेंटेनेंस है इसका। ये देखिए, जब ये विशाल स्वरूप करेगा तो बरगद के समान ये फैल जाता है और मार्च अप्रैल में इसके फ्रूट्स आते हैं। बड़े ही मीठी और स्वादिष्ट गुंदी लगती है। इसे आप नर्सरी से लाके लगा सकते हैं। गुंदी को हिंदी में डेला कहा जाता है, डेला फ्रूट। अब ये जो पौधे हैं, ये जो प्रजाति है इस पौधे की, ये अभी बहुत ही कम बचे हैं। रेड अलर्ट या रेड जोन, रेड किताब में आ चुका है। बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। राजस्थान के जो निवासी हैं, बड़े जो बुज़ुर्ग हैं लोग हैं, वो इसको अच्छी तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। जो नए बच्चे हैं उन्हें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसे बोलते हैं गुंदी का पेड़। नर्सरी से ला के लगाएँ आप। सरकार भी इसे बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजन कर रही है। आप भी इसमें सहभागिता दर्ज कराएं। अगर आप कहीं भी अपने बाग बगीचे में, खाद्यान्न में, खेत में कहीं भी फ्रूटिंग या प्लांट्स लगा रहे हैं तो आप इस गुंदी के पेड़ को अवश्य लगाएं। ये लगभग पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। इसका देखो, स्वास्थ्य के लिए भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। अगर आपके मुंह में छाले होते हैं तो इसका पत्ता, गुंदे का पत्ता खाइए। अगर गर्मी हो रही है, गर्मी के लिए आप गुंदी खा सकते हैं। इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। शीशम के पत्ते की जितनी इसकी तासीर होती है, तो आप इसके फल जो हैं वो गर्मी में भी लाभ प्राप्त करने के लिए खा सकते हैं। और कब्ज के लिए, पेट संबंधी समस्याओं के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मुंह में छाले हो जाते हैं तो आप इसका पत्ते का सेवन करें, 2 से 3 बार लेवें। इसकी छाया है बहुत अच्छी होती है। इसकी लकड़ी है वो खेतों में
आपने देखी होगी झोंपड़ी वगैरह बनाने के काम आती है। बहुत सुंदर सा ये पौधा है, राजस्थान होने के नाते आपको इसे घर में अवश्य लगाना चाहिए। आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? आपके आसपास भी अगर गुंदी का पेड़ है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर करें। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम।